असला डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब माई नेम इज रायन मलिक एंड आई एम हेयर टू टीच यू फिजिक्स क्लास नाइन्थ आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर फाइव के रिमेनिंग नुमेरिकल्स तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ सो चैप्टर नंबर फाइव ग्रेविटेशन एंड नुमेरिकल फाइव पॉइंट सिक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू द अर्थ एट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट

लाइक फॉर एग्जाम्पल कि ये अगर अर्थ है तो इसके साथ एक सेटेलाइट जो है वो यहां पर मौजूद है अब ये इस सेटेलाइट का पूरा ऑर्बिट है जिसमें इसने रोटेट करना है ओके okay? सो so, अब ये जो सेटेलाइट का ऑर्बिट है इसका रेडियस हमें बता दिया गया है टोटल अर्थ के सेंटर से यहां तक का पूरा रेडियस दैट इज आर नॉट ओके okay, जो कि अगर हम यहां से लेके यहां तक का रेडियस देखें तो ये होता है रेडियस ऑफ द अर्थ और अर्थ की सरफेस से लेके अब, अब सैटेलाइट तक जो है दैट इज हाइट सो अब इस नुमेरिकल में आपको रेडियस प्लस हाइट मींस के आर नॉट गिवन है रेडियस प्लस हाइट एंड दैट इज फोर्टी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड किलोमीटर सो so, इस किलोमीटर को फर्स्ट ऑफ ऑल हम कन्वर्ट कर लेते हैं फोर्टी एट थाउजेंड सेवन हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय टेन की पावर थ्री मीटर्स। क्लियर और आपने फाइंड आउट क्या करना है वैल्यू ऑफ जी सो टू फाइंड अब क्योंकि वैल्यू ऑफ जी जो है वो एक स्पेसिफिक हाइट पर है दैट्स फाइ इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे जी एच के साथ ग्रेविटी एट सम हाइट सो राइट द सॉल्यूशन एज वी नो दैट जी एच इज इक्वल टू जी मैस ऑफ अर्थ ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर सो so, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें जी ऑफ एच इज इक्वल टू जी इज द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जिसकी फिक्स वैल्यू होती है सिक्स पॉइंट सेवन थ्री मल्टीप्लाई बाई टू दावर माइनस अलेवन मैस ऑफ अर्थ ये भी कांस्टेंट वैल्यू है जो आपको पता होनी चाहिए दैट इज सिक्स मल्टीप्लाई बाय टेन एज टू दावर ट्वेंटी फोर किलोग्राम एंड डिवाइडेड बाय आर प्लस एच और जो आपको दे दिया गया है दैट इज फोर एट सेवन डबल जीरो मल्टीप्लाई बाय टेन एज टू दावर थ्री अब क्योंकि इसका स्क्र है तो यहां पर आप इसका भी स्क्र ले लेंगे ओके okay? सो so, इस वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा जीरो पॉइंट वन सेवन मीटर पर सेकेंड स्क्र ओके सो दिस इज द फाइनल आंसर Now, write down the result. The value of G is zero point one seven meter per second square. Clear? ई होप यू नुमेरिकल आपको समझ आ गया होगा चोना नेक्स्ट मैरिकल मैरिकल नंबर फाइव पॉइंट सेवन द वैल्यू ऑफ जी इज फोर पॉइंट जीरो मीटर पर सेकेंड स्क्ट अ डिस्टेंस ऑफ टेन थाउजेंड किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ फाइंड द मैस ऑफ द अर्थ अगेन हमें वैल्यू ऑफ जी गिवन है और हमें डिस्टेंस बता दिया गया है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड दैट इज टेन थाउजेंड किलोमीटर That's mean कि अगर हम डिस्कस करें यहां पर लेट्स की ये अर्थ है और ये एक सेटेलाइट है तो आपको अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस बता दिया गया है उस सेटेलाइट तक का और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज द रेडियस आर एंड दैट इज द हाइट एच तो अगेन आपको रेडियस प्लस हाइट गिवन है एंड दैट इज टेन थाउजेंड किलोमीटर फर्स्ट ऑफ ऑल इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं टेन थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय टेन टू दावर थ्री मीटर ओके और आपको जी की वैल्यू भी गिवन है दैट इज फोर पॉइंट जीरो मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर और इसमें आपने फाइंड क्या करना है दैट इज मैस ऑफ द अर्थ इट द सोल्यूशन अगेन सेम फॉर्मूला अब बेसिकली यहां पर फॉर्मूला है ग्रेविटी एट सम हाइट तो आपको ग्रेविटी स्पेसिफिक हाइट पर बता दी गई है दैट इज जी एच इज फोर पॉइंट जीरो मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर सो जी एच इज इक्वल टू जी मैस ऑफ अर्थ ओवर आर प्लस एच होल स्क्र अब क्योंकि आपने मैस ऑफ अर्थ फाइंड करना है तो बाकी सब क्वांटिटी को हम दूसरी तरफ लेकर चले जाते हैं जैसे कि आर प्लस एच होल स्क् डिवाइड हो रहा है तो ये यह यहां पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा जी ऑफ एच मल्टीप्लाय आर प्लस एच होल स्क्र डिवाइडेड बाय जी यहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा और यहां पर रह जाएगा सिंपल मैस ऑफ अर्थ क्लियर अब मैस ऑफ अर्थ को मैं यहां पर अलग से लिख रहा हूं मैस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू जी ऑफ एच उसकी वैल्यू आपको दी गई है दैट इज फोर पॉइंट जीरो एंड आर प्लस एच होल स्क्र इसकी वैल्यू भी आपको गिवन है दैट इज टेन थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय टेन एस टू दावर थ्री होल स्क्र

Now, write the result The mass of the earth is. वैल्यू ऑफ जी वु सरफेस ऑफ द अर्थ सो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एट वट आल्टीट्यूड मीन्स की कितनी हाइट पर जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो वन फोर्थ हो जाएगी एंड एज यू नो कि ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ पर कितनी होती है दैट इज टेन सो हमें यह चीज बता दी गई है कि ग्रेविटी की वैल्यू वन फोर्थ हो जाएगी सो फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा में हमें क्या गिवन है दैट इज कि ग्रेविटी की वैल्यू वन फोर्थ हो जाएगी सो so, हम जी ऑफ एच की वैल्यू पहले लिख लेते हैं दैट इज जो भी जी की वैल्यू है उसको हम फोर से डिवाइड कर देते हैं एंड एज यू नो कि जी की वैल्यू होती है टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर So, इसको हम फोर से डिवाइड कर देते हैं तो फाइनल आंसर आ जाएगा 2.5 मीटर okay? so, पर मीटर पर सेकेंड सो आपको जी ऑफ एच यहां पर गिवन है दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर और आपने फाइंड क्या करना है सो टू फाइंड एट वट आल्टीट्यूड मीन्स के आपने हाइट फाइंड आउट करनी है मीन्स के आपने हाइट एच आपने फाइंड आउट करनी है सो राइट द सोल्यूशन द सोल्यूशन इज एज वी नो दैट जी ऑफ एच इज इक्वल टू जी मैस ऑफ अर्थ ओवर आर प्लस एच होल स्क्र सो अब क्योंकि हमने इसमें हाइट फाइंड आउट करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल हम हाइट को सेपरेट कर लेते हैं और बाकी सारी क्वांटिटीज को हम सेपरेट कर लेते हैं सो so, हमने हाइट को सेपरेट करना है हम आर प्लस एच होल स्क्र को हम इस साइड पर ले जाते हैं और जी ऑफ एच को हम यहाँ आकर डिवाइड कर देते हैं सो इट बिकम्स आर प्लस एच होल स्क्र इज इक्वल टू जी मैस ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई जी एच क्योंकि यहां पर स्क्वेयर है आर प्लस एच का तो हमें स्क्वेयर खत्म करना है एंड एज यू नो कि स्क्वेयर खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं स्क्वेयर रूट लेते हैं सो टेकिंग स्क्र रूट ऑन बॉथ साइड्स आर प्लस एच होल स्क्वेयर इसके ऊपर भी स्क्वेयर रूट आ जाएगा और सिमिलरली जो बाकी वैल्यू है दैट इज मैस ऑफ अर्थ ओवर जी एच इसके ऊपर भी स्क्र रूट आ जाएगा इसका स्क्र रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहां पर रिमेनिंग रह जाएगा आर प्लस एच इज इक्वल टू अंडर रूट जी मैस ऑफ अर्थ ओवर जी एच सो हमने हाइट फाइंड करनी है आर यहां पर प्लस हो रहा है वहां पर जाके सप्रैक्ट हो जाएगा सो हाइट इज इक्वल्स टू जी मैस ऑफ अर्थ ओवर जी एच माइनस आर सो आपके पास यहां पर एक हाइट का फॉर्मूला ड्राइव हो गया अब फर्दर इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं सो नाउ एच इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी की वैल्यू सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन थ्री मल्टीप्लाई बाय टेन रेस टू दावर माइनस अलेवन एंड मैस ऑफ अर्थ दैट इज सिक्स मल्टीप्लाई बाय टेन टू दावर ट्वेंटी फोर एंड डिवाइडेड बाय जी ऑफ एच विच इज टू पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड आर की वैल्यू होती है सिक्स पॉइंट फोर मल्टीप्लाई बाय टेन रेस टू दावर सिक्स So, जब हम इस पार्ट को कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.4 पॉइंट फोर मल्टीप्लाय बाय टेन रेस टू दावर सिक्स एंड माइनस सिक्स पॉइंट फोर मल्टीप्लाय बाय टेन रेस टू दावर सिक्स इसको फर्दर जब सब करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस सिक्स मल्टीप्लाई बाय टेन रेस टू दावर सिक्स मीटर एंड इट इज एच अब क्योंकि हाइट हम फाइंड कर रहे हैं तो एज यू नो कि हाइट जो है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं होती वो हमेशा पॉजिटिव में होती है सो so हम यहां लिखेंगे एज हाइट इज इन पॉजिटिव हाइट ऑलवेज इन पॉजिटिव एज हाइट ऑलवेज इन पॉजिटिव So, negative sign is neglected. H is equals to 6 multiplied by 10 is to the power 6 meter, and which is approximately equal to 1 earth. रेडियस क्योंकि अगर हम अर्थ के रेडियस को डिस्कस करें तो अर्थ का रेडियस होता है 6.4 पॉइंट फोर मल्टीप्लाई बाई टेन पावर सिक्स सिमिलरली ये हाइट वन अर्थ रेडियस के अप्रोक्सीमेटली इक्वलेंट है सो हम कह सकते हैं कि इसकी हाइट किसकी इक्वलेंट है वन अर्थ रेडियस सो नाउ राइट द रिजल्ट The altitude is approximately equals to one Earth radius. Clear? सो नंबर 5.9, अ पोलर सैटेलाइट इज लॉन्च एट एट फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड सो एक पोलर सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया गया है 850 किलोमीटर अबव द अर्थ सो फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड सो हमें यहां पर हाइट गिवन है 850 किलोमीटर सो राइट द डाटा और मीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 850 फिफ्टी मल्टीप्लाई बाय टेन टू दावर थ्री मीटर सिमिलरली आपने फाइंड क्या करना है ऑर्बिटल स्पीड सो वी ऑर्बिटल ये आपने फाइंड आउट करना है सो नो राइट द सॉल्यूशन ऑर्बिटल का फॉर्मूला है वी ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी एच आर प्लस एच ओके सो अब क्योंकि पोलर सेटेलाइट को एक हाइट पर लॉन्च कर दिया गया है दैट्स मीन की हाइट पर ग्रेविटी भी कम होती है और वो क्या है हमें नहीं मालूम दैट्स वाई फर्स्ट ऑफ ऑल आप जी एच फाइंड आउट करेंगे कि उस हाइट पर ग्रेविटी क्या है अब अगर हम उस हाइट पर ग्रेविटी फाइंड आउट करें तो हमारा न्यूमेरिकल डिफिकल्ट हो जाएगा सो so, इसको इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हमने जी ऑफ h का एक फॉर्मूला डिस्कस किया दैट इज जी मैस ऑफ अर्थ ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर। सो हम इसका फॉर्मूला इस जी ऑफ h की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं ओके सो v ऑर्बिटल बिकम्स इज इक्वल टू अंडर रूड अब जी ऑफ एच का फॉर्मूला होता है जी मैस ऑफ अर्थ ओवर आर प्लस एच होल स्क्र और सिमिलरली ये आर प्लस एच एज इट इज आ जाएगा ओके okay? अब ये आर प्लस एच इस एक आर प्लस एच से कैंसिल हो जाएगा सो रिमेनिंग फॉर्मूला हमारे पास क्या रह जाएगा दैट इज दैट इज वी ऑर्बिटल इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी मैस ऑफ अर्थ ओवर आर प्लस एच क्लियर अब इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज प्र हैं सो वी ऑर्बिटल इज इक्वल टू जी की वैल्यू आपको पता है दैट इज सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन थ्री मल्टीप्लाई बाय टेन एज टू दावर माइनस अलेवन और सिमिलरली मैस ऑफ अर्थ भी आपको पता है सिक्स मल्टीप्लाय बाय टेन एज टू दावर ट्वेंटी फोर किलोग्राम एंड डिवाइडेड बाय आर प्लस एच सो आर प्लस एच दिक्स पॉइंट फोर मल्टीप्लाईमी मल्टीप्लाई बाय टेन टू दावर थ्री क्लियर अब इस सबको जब हम सोल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो फाइनल आंसर आ जाएगा सेवन फोर थ्री वन मीटर पर सेकेंड क्लियर द फाइनल आंसर इज सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड थर्टी वन मीटर पर सेकेंड उसकी ऑर्बिटल स्पीड होगी सो नाउ राइट द रिजल्ट orbital speed of satellite is 7,431 meter per second. clear. so now last numerical. a communication satellite is launched at 42,000 kilometer above earth. फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड एन अदर सेम नोमरिकल अगेन आपको एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट की हाइट गिवन है दैट इज 42,000 किलोमीटर ओके दैट इज 42,000 किलोमीटर फर्स्ट ऑफ ऑल इसको भी हम मीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं 42,000 मल्टीप्लाई बाय किलो की जगह आ जाएगा टेन एस दावर थ्री मीटर्स सो टू फाइंड

हाइट पर लॉन्च किया गया है अब क्योंकि उस हाइट पर ग्रेविटी की वैल्यू कम हो ग्रेविटी so की, so, की तरह जैसे कि अगर हम उस पॉइंट पर ग्रेविटी पहले फाइंड आउट करेंगे तो वो थोड़ा सा कंप्लेक्स हो जाएगा तो हम इसको इजी बनाने के लिए क्या करेंगे हम ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है वो हम उसकी जगह पुट कर देंगे सो so,

मैस ऑफ अर्थ ओवर आर प्लस एच ओके सो इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट डाउन करते हैं। पी ऑर्बिटल इज हैंक्वल टू जी की वैल्यू है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन थ्री मल्टीप्लाई बाय टेन डेस टू दावर माइनस अलेवन मैस ऑफ अर्थ है सिक्स मल्टीप्लाई बाय टेन डेस्ट टू दावर ट्वेंटी फोर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच आर की वैल्यू होती है सिक्स पॉइंट फोर मल्टीप्लाई बाय टेन की पावर सिक्स प्लस एच की वैल्यू है फोर्टी टू थाउजेंड मल्टीप्लाय बाय टेन की पावर थ्री ओके सो अगेन आप जिसको आप कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा टू एट सेवन सिक्स meter per second so the final answer is 2876 meter per second so now write the result The orbital speed of Communication Satellite is two thousand eight hundred and seventy six. मीटर पर सेकेंड क्लियर सो आई होप यूनिमेरिकल्स आपको समझ आ गए होंगे तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज